गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि सफलता जल्द मिल जाएगी, परिश्रम ना करते हुए हम लोग बस सफलता की ओर यानी कि फल की चिंता करते हैं। तो फल की चिंता ना करें और आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका कर्म अच्छा होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, सारे PDF यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, When is the World Student Day celebrated? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हर साल विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो किसके याद में? APJ अब्दुल कलाम जी के याद में हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह अवसर दिवंगत शिक्षक की जयंती के साथ मेल खाता है और भारत के 11वें राष्ट्रपति, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये एक प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रशासक थे जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ 4 दशकों से अधिक समय तक काम किया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट के रूप में भी वर्क किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेलों को शामिल करेगा, यानी विच गेम विल द इंडियन ओलंपिक गेम इंक्लूड द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को ऐड किया जाएगा। क्रिकेट भी अब इंडियन ओलंपिक गेम्स में खेला जाएगा। तो जाते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी को चिन्हित करते हुए 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने क्रिकेट को अपार संभावनाएं वालों खेल बताया है और कहा है कि इस खेल के कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अकॉर्डिंग अब क्रिकेट को भी अप्रूवल मिल गया है कि इस गेम में क्रिकेट भी अब खेला जा सकता है। तो ये कितने साल के बाद आया है? तो लगभग 128 सालों के बाद 2028 में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी क्रिकेट को खेला जाएगा। तो कहाँ पे आयोजित होगा? तो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में इसका आयोजन होगा। देखिये, भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी कर रहा है और IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस वर्ष 40 वर्षों के बाद हमारा भारत IOC का मेजबानी कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में 4th G20 वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBGF की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मराकेश। मराकेश में इसकी बैठक हुई है, G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग मराकेश में आयोजित किया गया है। तो जानते हैं इनके बारे में क्या है। देखिए, भारतीय अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक गवर्नर FMCBG की 4th और अंतिम बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर 12 से 13 अक्टूबर 2023 को मराकेश मोरक्को में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन 12 से 13 अक्टूबर 2023 को मोरक्को में आयोजित हुई थी, जिसमें भारतीय अध्यक्षता में G20 की वित्त मंत्रालय जैसे कि निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में लॉयरिस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉयरिस स्पोर्ट्स? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। देखिए, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों के भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल के लिए अपना समर्थन देने का वादा करते हुए लॉरियस स्पोर्ट्स ने इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया है।
इसमें जो लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा की नियुक्ति उन्हें पीढ़ियों से विशिष्ट एथलीटों की संगति में लाती है। तो नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया गॉट इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया का प्लेस 111 है, यानी कि 111वां प्लेस इंडिया का है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको GHI 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। 2015 से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2022 संस्करण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था, लेकिन भारत में अब ये 111वें पोजीशन पे चला गया है। 111 पोजीशन पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का प्लेस है। तो जानते हैं इनके बारे में कि किस तरीके से रैंकिंग दिया जाता है। तो उससे पहले भारत में बच्चों की कमजोरी की दूर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है, जबकि जो तीव्र अल्पपोषण का संकेत देती है। और भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, इसका स्थान 102वां है, बांग्लादेश का 81वां, नेपाल में 69 और श्रीलंका में 60 प्लेस है। तो जानते हैं की पॉइंट्स के बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, आखिर किस तरीके से रैंकिंग किया जाता है। देखिए, सबसे पहला पब्लिश किया गया था 2006 में अमेरिका में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI और जर्मनी स्थित वेल्थुंगरहिल द्वारा प्रकाशित 2007 में आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी सह प्रकाशक बन गया है। यानी कि 2006 में यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को चलाया गया था। इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको स्कोर एक फॉर्मूले पर आधारित किया जाता है, जिसमें चार संकेतों को जोड़ते हैं, जैसे कि अल्प पोषण को देखते हैं, बच्चों का बौनापन होना, बच्चों में कमजोरी और बाल मृत्यु दर शामिल है। इन सबके अकॉर्डिंग रैंकिंग दिया जाता है कि किस स्टेट या किस कंट्री में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितनी ज्यादा है। जहां पे अगर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, यानी कि सबसे एटलीस्ट अगर किसी का पोजिशन 0 पे है, यानी कि वो कंट्री सबसे बेस्ट है, कोई भी भूख से नहीं मर रहा है, और 100 सबसे खराब है, और इसमें हमारा भारत भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखता है, यानी कि हमारा इंडिया जो 111 पोजीशन पे है, तो 100 पोजीशन को कवर करते हैं, जो जिसका मतलब खराब बना जाता है। तो भारत उस लिस्ट में शामिल है जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे सेलिब्रेटेड 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को हम लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। प्रत्येक का एक अद्वितीय फोकस होता है। इस वर्ष पतझर का उत्सव 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह थीम जल सतत पक्षी जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। यानी वर्ल्ड माइग्रेट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 14 अक्टूबर को हर बार सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 हमारा ध्यान प्रवासी पक्षियों की उल्लेखनीय यात्राओं और जीवन में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर लाता है। देखिए, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे 2023 ब्रिंग आवर अटेंशन टू द रिमार्केबल जर्नीज, यानी कि इनके जर्नी, इनकी यात्राओं को बताते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर का इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है। लीव्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, जिस तरीके से हमारे बर्ड पक्षी माइग्रेट होकर चले गए हैं, तो उनके ही याद में हम लोग इस वर्ल्ड माइग्रेटरी डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि इनका संरक्षण हो सके। तो जानते हैं इनके बारे में। प्रवासी पक्षी हमारी पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कठोर सर्दियों से बचने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं और विभिन्न आवासों, विशेष रूप से जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 इन पक्षी चमत्कारों को उनके जीवन चक्र के दौरान बनाए रखने में पानी की भूमिका पर केंद्रित है। यानी कि ये लोग वाटर पे डिपेंडेंस रहते हैं। वाटर साइकिल, जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता है, वे लोग माइग्रेट होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं। देखिए, पानी के लिए मानव की बढ़ती मांग और साथ ही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और कई प्रवासी पक्षियों की संरक्षण स्थिति पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। तो इसी को सुधारने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को 2023 हर साल 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग वाटर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि जो पक्षियां एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है पानी के चेंज की वजह से,
वो रुक सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में आयोजित 11th जौहर कप 2023 कौन था, यानी 2023 का जौहर कप विजेता कौन बना। तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जौहर कप 2023 हाल ही में इसको आयोजित किया है। चलिए जानते हैं क्या 11th सुल्तान ऑफ जौहर कप टू बी हेल्ड इन जौहर मलेशिया इन नवंबर 2023। 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप नवंबर 2023 में मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। 2023 में सुल्तान ऑफ जौहर कप 11वां संस्करण 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जौहर मलेशिया में आयोजित होने वाला है। इसमें हॉकी इंडिया ने इसे आयोजन के लिए आधिकारिक तौर पर अपना टीम का अनावरण भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को आयोजित किया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया और स्कूली छात्रों को किताबी वितरित की, जिसकी तमिल संगम साहित्य में प्रचुर उल्लेख है। यानी इसका डिस्क्राइब किया गया है नीलगिरी तहर के बारे में बच्चों को, कौन इसका अनबिल किया है, तो चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन तमिलनाडु के। ऐतिहासिक रूप से नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट के एक बड़े हिस्से में निवास करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह तमिलनाडु और केरल में कुछ बिखरे हुए निवास स्थान तक ही सीमित है। तो इन्हीं को कंजर्व करने के लिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट लाया गया है एमके स्टालिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में किस महासागर में पोन्टस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है, यानी कि किस ओशियन में टेक्टोनिक प्लेट टेम पोन्टस डिस्कवर किया गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में टेक्टोनिक प्लेट को खोजा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए पृथ्वी के 4.5 अरब वर्षों से अधिक के लंबे इतिहास में ऐसे कई धागे हैं जिन्हें हम अभी भी उलझा नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक विशाल धागा हाल ही में खोला गया है, जिससे हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। जानते हैं वो क्या है। तो एक लंबे समय से खोई हुई टेक्टोनिक प्लेट, जो आज के दक्षिण चीन सागर का आधार थी, गायब होने के 20 मिलियन वर्ष बाद फिर से खोजी गई है। यानी कि ये टेक्टोनिक प्लेट काफी पुरानी है और इसको 20 मिलियन साल के बाद इसको फिर से देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, वेयर वॉज द 2 डे जास्कर महोत्सव सेलिब्रेटेड। हाल ही में 2 दिवसीय जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ये फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। जास्कर फेस्टिवल ये 2 दिन का ही फेस्टिवल होता है। तो जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या है। देखिए लद्दाख में आयुक्त आयुक्त सचिव पर्यटन और सांस्कृति यूटी लद्दाख काचो महबूब अली खान ने कारगिल के जास्कर के पदों में 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें लद्दाख में 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 आज सुबह 11 बजे जास्कर के पदों में शुरू होगा और आकाशवाणी संवाददाताओं की रिपोर्ट के अनुसार जास्कर उत्सव का 8वां संस्करण आज पूरे लद्दाख से सांस्कृतिक सैनिकों की भागीदारी के साथ शुरू होगा। यानी पूरे तरीके से ये 8th एडिशन है जो जास्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा लद्दाख में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने रिवीजन मैच को स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन मोड में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता पेरिस में आयोजित की गई है। विश्व कप इतिहास में सचिन के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है और ये बने हैं सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर 2023 में भारत विकास दर का अनुमान 6.3% लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 6.3% का अनुमानित किया जा रहा है इंडिया का ग्रोथ रेट और ये इस इकोनॉमिक विश्व का दूसरा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा चाइना के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने हाल ही में इसराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। जो हमारे भारतीय इसराइल में फंसे हैं हमास की कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे लोग जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, इसराइल में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स, डायमंड हीरा व्यापारी लोग हो गए और टूरिस्ट लोग हो गए जो वहां पे घूमने गए थे, उन सभी को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में,
किस राज्य बर्चाधाद को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में बर्चाधाद का उपज होने के उपज हो होता है, जो बर्चाधाद ये काली मिर्च की तरी होती है, इसलिए इसका नाम बर्चाधाद रखा गया है। और इसे बिहार ये किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है, और इसे जीआई टैग प्राप्त होगा। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बर्चाधाद को प्रोवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में नवनीत बुनोत को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मैराथन धावक केल्विन किप्टम केन्या देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व गठिया दिवस 2023 का विषय इट इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथों में है, विश्व गठिया दिवस 2023 का विषय। क्वेश्चन नंबर 10, डिवीजन मैच का आखिरी क्वेश्चन, 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया में। इंडिया में 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो अभी आपको बता रहे थे IOC को, IOC में क्रिकेट को भी ऐड किया जाएगा, तो इसकी मेजबानी हमारा प्यारा भारत इंडिया करने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? एन एयर बबल इन वॉटर विल एक्ट लाइक, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? आपको बताना है, पहला ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स लेंस, या ऑप्शन डी कॉनकेव मिरर। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में 14 अक्टूबर 2023 से डेली करंट अफेयर्स में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट को कवर किया था, अब हम जानेंगे सितार के बारे में। तो देखिए, सितार प्लेयर को, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको प्ले करने वाले को हम लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि वादक। तो सितार को प्ले करने वाले पहले पंडित रविशंकर जी है, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, पंडित रविशंकर जी सितार को प्ले करते थे। सेकेंड उमा शंकर मिश्र, तीसरा विलायत खान, चौथा निखिल बनर्जी, पांचवा शाहिद परवेज खान, और छठा राजीव जनरदन। ये 6 लोग हैं, इसको मैंने डिटेल में अपने स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहां से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं और ऐसे आप नॉर्मल याद रख सकते हैं कि सितार के कौन कौन प्लेयर्स हैं। तो पंडित रविशंकर, विलायत खान, शाहिद परवेज खान, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी और राजीव जनरदन। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद, जय भारत।